हमारे साथ गीता कोड़ा जी जुड़ गई हैं, नोकझोंक के दौरान ये वहीं पर मौजूद थी। गीता जी, क्या कुछ सुना आपने, क्या हुआ था वहां पर दरअसल? देखिए, जब सदन 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, उसके बाद हम सभी सदन से उठ के जाने लगे। इतने में बीजेपी के सभी सांसद चिल्लाने लगे, आदरणीय सोनिया गांधी जी का नाम लेकर के वो लोग चिल्लाने लगे। तो इतने में सोनिया गांधी जी वापस आई और वो बात करना चाह रही थी कि क्या बात है। तो इतने में रमा देवी के पास वो गई, बात करना ही चाह रही थी। इतने में सभी जो बीजेपी के सांसद है, महिला सांसद है, पुरुष सांसद है, सभी आदरणीय सोनिया गांधी जी के ऊपर चिल्लाने लगे कि आपको आपको माफी मांगनी चाहिए, ये कहते हुए। और कई अपशब्द भी कहे गए, मैडम को उंगली दिखा करके बोला जा रहा था कि ये बहुत बोलती है। स्मृति ईरानी जी ये कह रही थी कि सोनिया गांधी जी बहुत बोलती हैं, मेरे खिलाफ में बहुत बोलती हैं। तो हम और वो जिस तरह से वहाँ बर्ताव हो रहा था, हमें तो लगा कि थोड़ी देर में ये लोग एकदम हमारे ऊपर हमला कर देंगे। तो किसी तरह से हम लोगों ने आदरणीय सोनिया गांधी जी को वहां से बीच बचाव करके हम लोग निकाले हैं वहां से। और आज की जो घटना है, ये लोकतंत्र के मंदिर में एक काला अध्याय है और इसकी हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। गीता जी, पर निर्मला जी तो ये कह रही है कि सोनिया जी ने थ्रेटनिंग तरह से जवाब दिया, एकदम डोंट टॉक टू मी उन्होंने बोला। नहीं, बिल्कुल गलत कहा, क्योंकि हम लोग सोनिया खड़े थे, मैडम के साथ ही हम लोग खड़े थे। वो तो कुछ बोल भी नहीं पाई, वो सिर्फ वहां खड़ी थी, बात करना चाह रही थी। इतने में सभी सांसद एकदम चिल्लाने लगे, महिला तो महिला, पुरुष सांसद भी चिल्लाने लगे। एक महिला के साथ में वो भी सोनिया गांधी जी जो एक सीनियर लीडर है, उनके साथ बात करने का तरीका भी इन लोगों को नहीं मालूम था, जिस तरह से पुरुष सांसद वहां चिल्ला रहे थे। तो गीता जी, बात शुरू कहां से हुई, क्योंकि ये समझना भी मुश्किल हो पा रहा है कि आखिरकार स्मृति ईरानी ने बात शुरू की, सोनिया गांधी से शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ ये सब कुछ? ये हाउस खत्म होने, जैसा मैंने आपको अभी पहले भी कहा कि ये हाउस खत्म होने के बाद हम सभी वापस जा रहे थे, हाउस से हम सभी निकल रहे थे। इतने में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये चिल्लाने लगे, साउटिंग करने लगे। तो मैडम जाकर के महिला सांसदों के पास वो बात करना चाह रही थी कि भाई क्या बात है, जब अधीर रंजन जी ने माफी मांग ली है तो क्या बात है, ये बस वो बात करने। गीता जी, माफी नहीं मांगी उन्होंने, मन की बात उन्होंने कहा है कि उनसे चूक हुई है, उन्होंने माफी नहीं मांगी कहीं पर भी, उन्होंने कहा कि उनसे चूक हुई है। हाँ बिल्कुल, मानवीय भूल है, ये किसी से भी हो सकती है। तो लेकिन इस पर सोनिया गांधी जी को इस तरह का बर्ताव करना, क्या ये उचित है एक महिला सांसद के साथ में, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में, इस तरह का बर्ताव होना, क्या ये सही है? अगर कोई बात है तो बातचीत से उसका समाधान निकल सकता है, लेकिन जिस तरह से आज आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ जो बर्ताव हुआ है, ये बहुत गलत है। लेकिन दूसरी तरफ गीता जी, महामहिम का भी तो अपमान हुआ है ना शब्दों के जरिए, उस पर अगर माफी मांग लेते अधीर जी तो क्या बिगड़ जाता? उसका रास्ता निकल सकता था, बातचीत करके रास्ता निकल सकता था, वही तो बात करना चाह रहे थे हम लोग। लेकिन ये तो ना हमें सदन में बोलने दे रहे हैं, ना हमारी बातों को सुनना चाहते हैं, ये तो सीधे हमला करना चाह रहे हैं। जो मूल मुद्दे हैं वो तो भटक ही जाते हैं गीता जी, बात फिर यहाँ महामहिम के अपमान की आ जाती है। हम लोग शुरू से कांग्रेस पार्टी का ये क्लियर स्टैंड रहा है कि भाई हमें बात करने दिया जाए, हमें अपने बातों को रखने दिया जाए। आज भी हम सदन में अपनी बातों को रखना चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों को सदन में बात रखने नहीं दिया जा रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।